जैसे ही गर्मियां शुरू होती है वैसे ही नागपुर के सिंधी युवा संगठन लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार इस वर्ष भी सिंधी संगठन द्वारा पक्षियों एवं मुक्त प्राणियों के लिए जलपात्र वितरण करने की परंपरा भी जारी है। 17 वर्ष पहले सिंधी युवा संगठन द्वारा पक्षियों के लिए जलपात्र का आयोजन करने का संकल्प लिया गया था। इसी संकल्प को जारी रखते हुए आज जरीपटका इलाके के सब्जी बाजार चौक पर सिंधी युवा संगठन द्वारा निःशुल्क जलपात्र लोगों को बांटे गए। तेज गर्मी में प्यासे पक्षियों और जानवरों की प्यास बुझाने के लिए 17 वर्षों से हर साल सिंधी संगठन द्वारा जलपात्र का वितरण किया जाता है। सिंधी युवा संगठन पिछले 17 वर्षों से सिंधी सामाजिक युवा संगठन द्वारा सामाजिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, डेपुटेशन देना, सीनियर सिटीजन कार्ड बनाना, उसमें सबसे बड़ा हमारा रोल रहता है। धूप काले में जो तेज धूप हो जाती है, बेजुबान पक्षियों के लिए जलपात्रों की व्यवस्था करना, इसका हमने संकल्प 17 साल पहले लिया था। और 17 साल से लगातार हम कम से कम 2-3 शिविर धूप काले में करते हैं, जिसमें हमारे पूरे पदाधिकारियों का सहयोग रहता है। हमारे कार्याध्यक्ष श्री प्रताप जी हिरानी, उपाध्यक्ष सम्माननीय श्री किशन जी बालानी, सम्माननीय उपाध्यक्ष श्री दयाल जी चंदवानी, सम्माननीय उपाध्यक्ष श्री सतीश मीरानी जी, सम्माननीय उपाध्यक्ष श्री दयाल चंदवानी जी, सम्माननीय महासचिव श्री भरत इसरानी जी, सम्माननीय हमारे वासुदेव शर्मा, भरत तनवानी, सम्माननीय हमारे मोहन व सम्माननीय पवन कुकरेजा महासचिव, ये सभी हम मिलके हमने एक संकल्प लिया था। क्योंकि धूप काले में ऐसा होता है कि चारों ओर सिर्फ धूप ही धूप रहती है, कहीं पे भी ऐसा पानी गिरा हुआ नहीं दिखता कि बेजुबान पक्षी वहाँ से पानी पी सके। तो हमारा संकल्प ऐसा था कि ये जो हम मिट्टी के पात्र हम सबको लोगों को निःशुल्क बांटते हैं, वो अपनी दीवार पे लगाएं, अपने आंगन में लगाएं, छत पे लगाएं, जिससे कि उन बेजुबान प्राणियों को जल मिल सके और अपन एक पुण्य कमा सके। हमारा स्लोगन भी वही है, बेजुबान प्राणियों का जीवन बचाओ, परमात्मा से पुण्य कमाओ। ये सभी मेरे सहयोगी है, उनका पूरा सहयोग रहता है। लोगों को हमारा यही एक संदेश है, मेरे जितने भी पदाधिकारी और जितने भी संगठन के जुड़े हुए सदस्य हैं, मैं उनसे यही विनती करूंगा, आप संकल्प लेके ये पात्र अपने यहाँ लगाओ, और जितने भी मित्र परिवार है जो भी आपके संपर्क में आते, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बांटो, और उससे कि आने वाले समय में जैसे धूप काले में मई के मामले बहुत ज़्यादा धूप होती है, पैर रखने की जगह नहीं रहती, इंसान तो पानी मंगकर पी लेता है लेकिन बेजुबान पक्षी कैसा पानी पिएगा। इसीलिए हमारा एक संकल्प है संगठन का कि हम चारों ओर ये जलपात्र बांटते हैं, जिससे कि मुक्त प्राणियों का जीवन बच सके, यही हमारा संगठन का मुख्य उद्देश्य है। जरी प्रकार की काफ़ी नागपुर शहरी काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। हमारे जो जरी प्रकार का सिंधु युवा संगठन है, इनके हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अशोक जी आहूजा, प्रताप जी हिरानी, सतीश जी हिरानी, संगठन सचिव हैं, दयाल जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। निरंतर 17 सालों से सिर्फ ये काम ही नहीं, आज का जो काम रहता है ये मई महीने में हम लोग जो जल पात्र हैं उसका वितरण करते हैं। एक ही भावना है, ह्यूमन बीइंग को जवान दी है ईश्वर ने, वो बोल सकता है, अपनी तकलीफें बता सकता है, उसको पानी लगे तो 10 बार पी सकता है। मूक प्राणी बोल नहीं पाते, उनके क्या कष्ट हैं, गर्मी का महीना है, पानी नहीं रहता, लोगों को पानी नहीं रहता तो पक्षियों को कहाँ से मिलेगा। इसलिए कि प्रयास रहता है हमारा संगठन का कि जगह जगह हर घर में अपने अपने घरों में पात्र भर के रखें, जिससे कि मूक प्राणी को पानी मिले, उनकी जीवन रक्षा हो, यही उद्देश्य है। धन्यवाद। रोशन बोगड़े के साथ वैदेही चौहान। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।